नमस्कार, मैं हूं रोशनी। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। जयपुर के परकोटे के ऐतिहासिक बरामदे को सुधारने के लिए नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने जायजा लिया और सवा तीन घंटे में तीन बाजारों का दौरा कर नगर निगम व स्मार्ट सिटी कंपनी के अफसरों की जमकर क्लास लगाई। जगह जगह टूटे बरामदे और सड़कों पर गड्ढे देखकर मंत्री ने नाराजगी जाहिर की। मंत्री ने व्यापारियों से भी सहयोग करने को कहा। वहीं चेतावनी दी है कि सामान अगर बरामदों में रखा तो पहली बार दुकान 7 दिन और दूसरी बार महीने भर के लिए दुकान सीज कर दी जाएगी। और व्यापारियों की बरामदे में ग्राहक चलेगा तो व्यापार बढ़ेगा, उनका व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा। हमने मुझे व्यापारियों से ही निवेदन किया है कि मेहरबानी करके बात को कायम रखें, तो वो अपने दुकान के बाहर को सामान ले रखें। अगर मान लीजिए वो इसमें हमें कॉपरेट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये पूरी स्कीम आ जाएगी। सबकी ओपिनियन ये बनती है, यूनानी मसली ये ओपिनियन बनती है कि अगर मान लीजिए ये व्यापारी सहयोग नहीं करते हैं और ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान नहीं देते हैं या अपने व्यापार को भी बढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर इनकी दुकानें नहीं होंगी। राज्य सरकार ने जयपुर नगर निगम में अच्छी भली लग्जरी कारों के बावजूद लाखों रुपए खर्च कर दो नई कार खरीदने को अनियमितता बताते हुए पूर्व महापौर व सांगनेर विधायक अशोक लाहोटी को कारण बताओ नोटिस दिया है। वहीं लाहोटी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में जनता समस्याओं से जूझ रही है और इससे ध्यान भटकाने के लिए ऐसे नोटिस दिए जा रहे हैं। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक व संयुक्त सचिव पवन अरोड़ा ने लाहोटी को नोटिस में बताया कि उनके कार्यकाल में अनियमितता की शिकायत मिली थी। इस तरह के नोटिसों से कांग्रेस सरकार हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकती। कांग्रेस सरकार राजस्थान में पूरी तरह फेल हो चुकी है और जनता का ध्यान बटाने के लिए इस तरह के नोटिस दिए जा रहे हैं। कोई भी सरकारी गाड़ियों की खरीद फरोख्त का काम वहाँ के CFO का, वहाँ के कमिश्नर का, वहाँ के समझो गैराज का, इनका रहता है। ये उनसे जवाब मांगे, ये काम मेरा नहीं है। और ना गाड़ी खरीद कर मैं मेरे घर पर लेकर गया, यदि वो गाड़ी नियम विरुद्ध है तो उसको चलाया क्यों जा रहा है, उस गाड़ी की जाँच करवाए। गाड़ी वहीं खड़ी है, मैं अपने घर नहीं लेकर गया। इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाकर कांग्रेस सरकार जो ध्यान बांटना चाहती है, नगर निगम प्रशासन पूरी तरह फेल हो चुका है, कांग्रेस सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। राजस्थान में सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, जनता को पीने का पानी नहीं दिया जा रहा है, चलने के लिए सड़क नहीं है और पूरा जयपुर शहर कचरे से डटा हुआ पड़ा है। ये नगर निकायों के चुनाव में दिख रही हार को जिस प्रकार इन्होंने राष्ट्रगान बंद किया, वंदे मातरम का ही विरोध करते हैं, भारत माता की जय का ही विरोध करते हैं, इस प्रकार के राष्ट्रद्रोहियों के इस तरह के नोटिसों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गुर्जर आरक्षण का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 19 जून को पत्र लिखकर MBC आरक्षण मामले में ध्यान देने का आग्रह किया है। बैंसला ने पत्र में लिखा कि समझौते के अनुरूप उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। नोटिफिकेशन जारी हुए 4 माह से ज्यादा हो गए हैं, प्रक्रियाधीन भर्तियों के परिणाम जारी हो रहे हैं, लेकिन गुर्जर समाज को प्रक्रियाधीन भर्तियों में 5% आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। 13 फरवरी को जब विधानसभा में इन्होंने पास करा दिया और बड़े ज़ोर शोर से छाती तान करके हमको कहा कि अब कोई परेशानी नहीं आएगी, आप सबको 5% मिलेगा, और हम अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, 4 महीने होने को आ रहे हैं। तो परेशानी और दुविधा इस बात की है कि अगर सरकार कर नहीं रही है तो इसे यही समझ में आता है कि इच्छा शक्ति नहीं। चीफ मिनिस्टर साहब, माननीय चीफ मिनिस्टर साहब खुद OBC से हैं और मेरा अनुमान है कि वो इस बात पे संवेदनशील होंगे। मेरा उनसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि इस पे आप वो अपना खुद ध्यान रखें और जो 5% आरक्षण जो देना था वो दें। अब जो मेरे को कल पता चला कि RPSC के यहाँ से पता चला है कि वहाँ पे उनको ऑर्डर ही नहीं मिला, अगर 4 महीने तक एक चलती सरकार में ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं तो लोगों में तो परेशानी होगी। बार बार ये बात आती है कि जब आरक्षण में हम लोग रेल रोको जब हुआ था तब सब लोग पूछ रहे थे कि भैया गुर्जर और MBC के लोग जा करके पटरियों पे बैठ क्यों जाते हैं, तो मेरे आपके माध्यम से मैं पूरे राजस्थान और पूरे देश के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब एक आप ये एग्जांपल देख लीजिए कि जब एक एक्ट पास हो जाता है उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होता 4-4 महीने तक, और हम सरकारी महकमों के
गलियों गलियारों में जाकर के रिक्वेस्ट करते रहते हैं और होता नहीं, उसके बावजूद मीटिंग होती है तो भी नहीं होता। जब एक्ट पास हो गया उसके बाद ऑर्डर्स अगर सरकारें निकाल पा रही है और डिपार्टमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे तो हम कहाँ जाएंगे। राजस्थान सरकार के साथ हमारी 18 तारीख को वार्ता हुई थी जिसमें मंत्रिमंडलीय कमेटी तीनों मंत्रियों ने मोहनलाल मेघवाल जी, रघु शर्मा जी, विश्वेंद्र सिंह जी ने बिल्कुल 100% आश्वस्त किया था कि जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनमें 5% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन अभी नर्सिंग ग्रेड का रिजल्ट आ गया, आरएएस मुख्य परीक्षा 25 जून को होने जा रही है, बिना 5% आरक्षण दिए। जब सरकार ने कहा है हम कमिटेड हैं, हमने 13 फरवरी 2019 को कानून बना के 5% आरक्षण अति पिछड़ा गुर्जर समाज को दे दिया है, 4-6 महीने हो गए, डीओपी ने उनको सर्कुलर भी लिख दिए, डीओपी ने ऑर्डर भी दे दिए सारे विभागों को कि 5% तुरंत लागू किया जाए, लेकिन विभाग लागू नहीं कर रहे हैं और दिशा निर्देश मांग रहे हैं। और सरकार ने कहा है हम 5% देंगे, हम कटिबद्ध हैं, उसके बावजूद रिजल्ट आ रहे हैं, मुख्य परीक्षा होने जा रही है 25 तारीख को, बिना 5% आरक्षण दिए। अगर जब हमारे युवाओं को लाभ ही नहीं मिल पाएगा आरक्षण का तो 5% किस काम का। और दूसरी बात, कर्नल बैसल साहब ने इस मुद्दे को लेते हुए मुख्यमंत्री महोदय को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो वार्ता हुई है वो सकारात्मक नहीं हुई है, मंत्रियों ने सिर्फ आश्वासन दिए हैं, उन्होंने कोई ठोस नतीजे नहीं हमको नहीं बताए हैं, ना ही ठोस कार्रवाई की है। और उन्होंने इस पे अनुरोध किया है कि मुख्यमंत्री स्वयं उसमें इंटरवीन करें, उसको देखें और जो हमारी समस्याएं आ रही हैं, जो गुजर अति पिछड़ा वर्ग का जो समाज है, जो युवाओं का हक है, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उस पे ध्यान देके इसका समाधान कराएं। देखिए, इसमें अगर सरकार ने अपने वादे पे नहीं उतरी, खड़ी उतरी, जो गुर्जर समाज के साथ गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के सरकार का समझौता हुआ था उसकी अगर पालना नहीं हुई तो मजबूरन समाज को सड़कों पे आना पड़ेगा, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जयपुर के सूरज मैदान में पंजाब नेशनल बैंक की ओर से योग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में बैंक के अधिकारी कर्मचारी ने योग कर विश्व योग दिवस मनाया और स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इस मौके पर पंजाब नेशनल बैंक की जोनर मैनेजर विभा एयर एरन ने बताया है कि बैंक की 125वीं वर्षगांठ और विश्व योग दिवस पर योग का आयोजन किया गया है। इस दौरान बैंक के चीफ मैनेजर अमित मिश्रा ने योग गुरु बनकर सभी को योग का पाठ पढ़ाया। योगा तो बहुत ही स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है और मैं इसका काफ़ी पालन करती हूँ। भाग दौड़ के बावजूद भी एक सुबह को 20 मिनट 30 मिनट कुछ तो मैं योगा ज़रूर करने की कोशिश करती हूँ। और बिकॉज इसमें क्या है कि एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और जो स्टमक की एक्सरसाइज है और उसके अलावा जो हम लोग बाकी हाथों की एक्सरसाइज करते हैं, फीट की, वो सब स्ट्रेचिंग होती है। तो जैसे वो एक पदासन जो हम करते हैं वो सबसे स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये सब हमारी एज में तो बहुत अच्छा है। मे भी हम लोग बहुत भाग दौड़ वाली एक्सरसाइज इतनी अच्छी ना भी कर सके, पर 50 की एज में योगा तो वैसे हर एज में ही अच्छा है, पर जो इसमें कुछ ऐसे आसन हैं जो किसी भी एज में आप करें तो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। एक तरफ जहां शिक्षा राज्य मंत्री ने दिव्यांग बच्चों को लैपटॉप वितरित किए, वहीं दूसरी तरफ इस वर्ग से आने वाले मूक बधिर छात्रों ने यूनिवर्सिटी में अपने रिजल्ट को लेकर विरोध जताया। ये सभी छात्र बीए सेकेंड ईयर के थे जिन्होंने रिजल्ट को लेकर कुलपति के सामने बात रखी। साथ ही बताया कि सेकेंड ईयर में 98 छात्रों में से 88 को फेल कर दिया गया है। छात्रों ने रिजल्ट रिवाइज कराने की मांग रखी। राजधानी में आज रोजगार की मांग को लेकर कर्मचारी अधीनस्थ बोर्ड के सामने बेरोजगार संघ ने धरना प्रदर्शन किया। सूचना सहायक भर्ती 2018 का अंतिम परिणाम और जल्द नियुक्तियों की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राजस्थान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने बताया कि सरकार को जल्द से जल्द बेरोजगारों की मांगे पूरी करते हुए रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो जबरन बेरोजगारों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। प्रदेश में प्री मॉनसून आने के साथ ही प्रशासन की पोल खुलकर सामने आ गई। सड़कों पर जगह जगह पानी भरा हुआ है तो वहीं जयपुर के निचले इलाकों में पानी के गड्ढे भरे हैं। इस दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए जयपुर सिविल डिफेंस की टीम भी तैयार है। जयपुर कलेक्टर जगरूप यादव ने जयपुर और ग्रामीण इलाकों में आपात स्थिति को देखते हुए कंट्रोल रूम तैयार किए हैं। इस स्थिति का जायजा लिया न्यूज इंडिया संवाददाता दीपक चावला ने।
राजधानी जयपुर के अंदर और आसपास के इलाके में जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होगा तो उफान काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके चलते कई बार आमजन जो है परेशान हो जाते हैं। उसको लेकर हमारी जो सिविल डिफेंस टीम है वो तैयार है। मैं इस वक्त सिविल डिफेंस मुख्यालय पर हूँ, जहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो डिप्टी कंट्रोलर जगदीश जी वो जो सिविल डिफेंस के जो जवान हैं उनको निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई आपात स्थिति अगर आती है तो किस तरह से ये टीम उससे निपटने के लिए तैयार है। जगदीश जी से मैं एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा। सर, बारिश आने वाली है, काफ़ी ज़्यादा बारिश आती है, लोग परेशान होते हैं, तो उसको लेकर टीम कितनी तैयार है, किस तरह से आप निर्देश देते रहते हैं? वैसे रेस्क्यू टीम के बारे में अगर आप बताएंगे तो हमारे पास तीन टीमें तैयार हैं, एक घाटगेट, मानसरोवर और बनी पार्क, तीनों टीमों को राउंड द क्लॉक 8-8 आदमियों की 24 आदमियों की एक स्टेटमेंट। तीन बाढ़ कंट्रोल सेंटर खुले हुए हैं, तीनों के पास में पर्याप्त संसाधन है, एक एक ट्रक है इनके पास में तीनों जगह पर। एक एक ट्रक के अंदर जो मटेरियल हमारे को चाहिए रेस्क्यू के लिए, बचाव के जो उपकरण हैं वो तैयार हैं, लाइफ बॉय हैं, लाइफ जैकेट हैं, इम्प्रोवाइज मेथड से हमने जो कुछ डूबने से बचने के लिए जो उपाय हैं वो तरीके हैं, कटर मशीनें हैं, ये सब कुछ हमने लिया है, रोप्स हैं, रस्से वगैरह, वो सब हमने पूरी तैयारी की हुई है। जहाँ कंट्रोल रूम के ऊपर है वहाँ सैंड बैग्स की जो तैयारी है, मड पंप है, ट्रेलर पंप और ट्रैक्टर है, ट्रोलियाँ हैं, ये जो वहाँ पर हर एक फायर स्टेशन के ऊपर स्थापित किए हुए हैं, भरे हुए सैंड बैग्स हैं जहाँ आवश्यकता पड़ी। पानी जहाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठा होगा या डूब क्षेत्र है जहाँ इंसिडेंट होने के चांसेज हैं वहाँ हम टीम लगाएंगे, बाकी जगह अगर कहीं थोड़ा बहुत पानी है या जहीं पानी इकट्ठा हो रहा है तो हम उसको मड पंप के माध्यम से बाहर निकलवाने की कोशिश करेंगे। आप एक बार तस्वीरों में आप हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये लाइफ जैकेट है और उसके अलावा कुछ अलग से जो आप देसी स्टाइल में कहते हैं कि बॉटल्स का एक उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह से अमूमन जो व्यक्ति है अगर वो इस तरह का इस्तेमाल करता था वो डूबने से बच जाता है। इसे ये घर में भी बनाया जा सकता है, कैसे ये बनता है, ये काम करता है? इम्प्रोवाइज मेथड है, जो हमारे यहाँ पानी की जो बॉटल होती है कोल्ड ड्रिंक्स की, हम उसको इस तरीके से बांध करके और आपस के अंदर इनको बांध लेंगे और बांधने के बाद में अगर कहीं पर भी कोई मतलब जो लो लाइन एरिया है अगर उसमें अगर कहीं पानी भर जाता है आदमी को, परिवार के अंदर कहीं पानी भर रहा है, तो इस तरीके से बोतल हो, पानी की जरीकैन हो, उसको हम तौलिए से बांध करके अपने बांध लें और उस पानी वाले डूब क्षेत्र से जो है हम बाहर आराम से आ सकते हैं। तो ये एक तरीके से हमने इम्प्रोवाइज बनाया है ताकि लोगों को इसमें अवेयरनेस रहे, जागरूकता रहे कि इस तरीके से वो अपने घर में पड़ा हुआ जो सामान, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि एकदम कबाड़ है, हमने उससे बनाया है इसको, ताकि कोई लो लाइन एरिया में पानी का अगर बहाव तेज है या कोई आदमी डूब रहा है या पानी है तो वहाँ उसी मदद कर सकें। मान लीजिए मेरे घर में अगर जरीकैन है और अगर कोई पास वाले मकान में पानी भर गया है तो हम उस जरीकैन से उस आदमी को बचा सकते हैं, कि अगर हमारे पास लाइफ बॉय नहीं है तो हम उसको किसी रस्सी में या किसी चुन्नी में या साड़ी में बांध करके पड़ोसी के घर में फेंक सकते हैं, बच्चा उसको पकड़ करके, बड़ा उसको पकड़ करके वहाँ से बाहर आ सकता है। तो हम इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि इम्प्रोवाइज मेथड भी जो हमारे यहाँ हमारे जिस एरिया में उपकरण नहीं है वहाँ ये बहुत कारगर है। बिल्कुल, और भी कुछ जवान है सिविल डिफेंस उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से आप तैयार है, किस तरह से निर्देश आपको मिले हुए हैं कलेक्टर? सर, कलेक्टर्स के यहाँ हमारी टीम यहाँ एनी टाइम तैयार रहती है, किसी भी बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए हमारी टीम पूरी तरह तैयार है और हमारे पास पर्याप्त साधन है। हम किसी भी बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, जैसे हमें कोई सूचना मिलती है आपातकालीन की या पानी की तो हम तुरंत मूव करते हैं और रेस्क्यू के लिए हर समय तैयार रहते हैं। ये लाइफ जैकेट है, किसी भी व्यक्ति को डूबने से बचाने के लिए काम आती है, अगर किसी को तैरना भी नहीं आता हम उसको पहना के किसी भी पानी से उसको बाहर निकाल सकते हैं इसकी सहायता से। बिल्कुल, ये थे सिविल डिफेंस के जवान जो बता रहे थे कि ये हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी जान मान के लिए तैनात है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की बारिश या बाढ़ की स्थिति जयपुर शहर या आसपास के इलाके में नहीं बने, अगर फिर भी बनती है तो सिविल डिफेंस की टीम हमारी सुरक्षा के लिए ज़रूर तैनात है। जैसे इनको सूचना मिले कि मिनटों के अंदर तुरंत मौके पर पहुँचेंगे और जो भी लोग हैं उन्हें बचाया भी जाएगा। सहयोगी सुरेश तानिया के साथ दीपक चावला, न्यूज़ इंडिया जयपुर। पूरे विश्व में आज योग दिवस मनाया जा रहा है, वहीं गोविंद नगरी में भी जगह जगह पर योग दिवस का आयोजन हुआ। जयपुर के प्रसिद्ध मंदिर आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में निःशुल्क योग दिवस का आयोजन हुआ। सुबह 9 से 10 बजे तक सत्संग भवन में योगा आयोजित हुआ। इस दौरान योगाचार्य उमेश शर्मा ने महंत सहित सभी श्रद्धालुओं को योग करवाया। उन्होंने कहा कि योग करने से मस्तिष्क और शरीर स्वस्थ रहता है, मनुष्य को नियमित रूप से योग करना चाहिए।
सिटी पैलेस संग्रहालय में एक महीने से जारी समर ट्रेनिंग कैंप का समापन हो गया है। आयोजित संस्कृति विरासत प्रशिक्षण शिविर के समापन के मौके पर कलाकृतियों का प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय की एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी रमा दत्त ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई तो शिविर के प्रतिभागियों ने सांस्कृतिक गीत और नृत्य के आकर्षक प्रस्तुतियां भी दी। अगर आप कैब का इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो सावधान हो जाइए। ये खबर आपके लिए है। जयपुर के हरमाड़ा इलाके के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसने कैब की कंपनी से किराया रिफंड लेने का प्रयास किया तो उसके खाते से 1.5 लाख रुपए गायब हो गए। दरअसल हरमाड़ा के गणेश नगर निवासी मांगीलाल सैनी अपने परिवार के साथ घूमने के लिए नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क गए थे, जहां का किराया करीब 226 रुपए दिखाया जा रहा था, लेकिन चालक ने उसे 1218 रुपए का बिल बताया। मांगीलाल ने किराया तो दे दिया, लेकिन पैसे रिफंड करने के लिए उबर कस्टमर केयर को फोन किया, जिसके बाद मांगीलाल से क्रेडिट कार्ड का नंबर मांगा गया। नंबर देने के 10 मिनट बाद मांगीलाल के खाते से 1.5 लाख रुपए निकाल लिए गए। उबेर से कोई ट्रांजैक्शन किया था, वो ट्रांजैक्शन मेरा फेल हो गया। उसके बाद मेरे पास कॉल आया था, अब आपके पैसे हम रिफंड कर रहे हैं और आप अपने क्रेडिट कार्ड के नंबर हमें दे दो। तो मैंने जैसे क्रेडिट कार्ड के नंबर दिए, मेरे अकाउंट से पैसे कटने चालू हो गए। उसके बाद मैंने संपर्क किया तो उन्होंने कहा था हम अभी डलवा रहे हैं, वहाँ पर डलवा रहे हैं, इस तरह की बात हुई थी। फिर उसने अपना क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करवा दिया। इस तरह के फ्रॉड्स इन दिनों में चल रहे हैं और कस्टमर्स को भी अवेयर रहना चाहिए कि अपने जो क्रेडिट कार्ड के नंबर है OTP किसी को शेयर नहीं करें। ये जो लुभावने वादे आते हैं, लुभावने कॉल्स आते हैं, इनसे कतई बचें। कस्टमर जब तक सचेत नहीं होगा तब तक इन फ्रॉड्स पे लगाम थोड़ा मुश्किल होगा, वो इस तरह से बचें तो ज़्यादा ठीक है। हम इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी डिटेल्स आएगी, मुलजिमों तक जल्दी पहुंच करके प्रभावी कार्रवाई करेंगे। पहला सुख निरोगी काया को ही माना जाता है। इसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर जोर दिया जाता है। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन का आधार है। यही वजह है कि हम सदियों से शारीरिक शुद्धता और उसके स्वस्थ रहने की कामना ही नहीं, उसके बारे में व्यवहारिक दृष्टिकोण भी अपनाते आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट देखिए न्यूज इंडिया की। विश्व योग दिवस पर देश और दुनिया में करोड़ों लोगों ने योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारतीय योग विद्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली और हर साल आज ही के दिन दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाता है। गुलाबी नगरी जयपुर में विभिन्न स्थानों पर बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं ने जोश और उत्साह से योगाभ्यास किया। रामनिवास बाग के यूनियन फुटबॉल मैदान में RSS और उसके अनुषांगिक संगठनों और विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से योग दिवस मनाया गया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सांसद रामचरण बोहरा, जयपुर शहर BJP के अध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता, विधायक कालीचरण सराफ, अशोक लाहौटी सहित कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने योगाभ्यास किया। प्रशिक्षित योगाचार्यों ने करीब 45 मिनट तक योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास कराया। इस अवसर पर वसुंधरा राजे ने प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग को जीवन में अपनाने से तन और मन की सुंदरता बढ़ती है, शरीर स्वस्थ रहता है और मन प्रसन्न रहता है। शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि उन सब ने आज जैसे यहाँ हम लोग कर रहे हैं, लोग प्रदेश में सब लोग कर रहे हैं, ये अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने मन के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर 10 मिनट टेंशन के टाइम में निकाल सकते हैं और सभी फायदा सबको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। आज दुनिया भर के लोग योग को अपनाकर अपने शरीर के स्वास्थ्य के प्रति सजग हो रहे हैं। यूनियन फुटबॉल के मैदान पर आयोजित योग दिवस पर हजारों लोगों की उपस्थिति इस बात का सबूत है कि लोगों का रुझान योग की ओर हो रहा है। विधायक कालीचरण सराफ ने भी स्वीकार किया कि योग को अपनाकर तन और मन स्वस्थ रख सकते हैं।
देखिए आज बहुत ही प्रसन्नता का दिन है कि हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और लगभग 180 देशों में इस प्रकार का योगाभ्यास का कार्यक्रम हुआ है। और यहाँ भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विभिन्न योग से जुड़ी हुई संस्थाओं को कि उन्होंने ये शानदार और जानदार कार्यक्रम यहाँ पर रखा। इसके साथ मैं सरकार को ये कहना चाहूँगा कि ये योग दिवस कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, उनको भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए था। पतंजलि का योग दर्शन दरअसल मन, प्राण और चेतना से जुड़ने का ज्ञान है। इसको व्यवहारिक रूप से जीवन का आचरण बनाने से तन और मन की सुंदरता मुखरित होती है। मन की सुंदरता तभी रह सकती है जब हमारा शरीर स्वस्थ रहे। निरोगी काया रहने से ही सभी भौतिक सुख अच्छे लगने लगते हैं। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में इसी जीवन में स्वयं से साक्षात्कार कराने की जो वैज्ञानिक विधियां प्रतिपादित की गई है, दुनिया आज उसे योग के रूप में अपने जीवन का हिस्सा बना रही है। देश और दुनिया में विश्व योग दिवस पर करोड़ों लोगों ने शारीरिक व्यायाम के एक दिन के प्रयास से ही सही उस मान्यता पर मुहर लगा दी है कि योग भगाए रोग। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से विश्व योग दिवस पर योग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बैंक के कर्मचारियों ने योग किया। चीफ मैनेजर अमित मिश्रा ने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए योग में काफी महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान योग शिविर का जायजा लिया न्यूज इंडिया संवाददाता मनीष ने। देश और दुनिया में पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में चुनकर के आए थे और देश का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसको घोषित किया गया था योग को, तो आज देश में पूरे विदेश में और साथ ही साथ हर जगह खुद को फिट रहने के लिए योग का अति एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है लाइफ स्टाइल में, अपनी ज़िंदगी में। इस वक्त आज जयपुर के जो सूरज मैदान स्टेडियम है वहाँ पर भी पंजाब नेशनल बैंक की ओर से योग दिवस का आयोजन किया गया है और साथ ही साथ में जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीएनबी के जो चीफ मैनेजर हैं वो खुद यहाँ पर इंस्ट्रक्टर रहे, योग गुरु भी अपने आप में वो कहलाते हैं। अमित मिश्रा जी हमारे साथ है इस वक्त। मिश्रा जी, पीएनबी की ओर से इतना बड़ा आयोजन किया गया है योग दिवस पर और आप खुद भी इंस्ट्रक्टर हैं, खुद फिटनेस फ्रीक रहते हैं अपने आप में, लोगों को किस तरह से और मोटिवेट करना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। देखिए, हमारे यहाँ हर पीएनबीएन जो है वो अपने आप में फिट पीएनबीएन है, तभी हम पीएनबी को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की के पद पे अग्रसर कर रहे हैं। और मेरे साथ मेरे देखिए वरिष्ठ अधिकारी भी साथ में जुड़े हुए हैं, तो हम सब लोग साथ ही मिलकर मॉर्निंग में योग करते हैं और जितने भी हमारे साथ पीएनबी के ऑफिसर्स हमारे पीएनबी फ्लैट में रहते हैं हम सबको मोटिवेट करते हैं कि आप मॉर्निंग में आइए और सारा एक साथ योगा करिए, क्योंकि योग देखिए अपने आप में एक ऐसा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, वो एक जीवन शैली का पार्ट है, वो आपकी जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है। जितना अच्छा आप योग करेंगे उतने अच्छे आप निरोगी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे दिन भर में और आपकी जो शरीर की सुप्त शक्तियाँ होती हैं वो उससे जागृत हो जाती हैं। स्थिति में आ गए थे, कारण ये था कि हम लोगों का लाइफ स्टाइल जो है बैंकर्स का या और भी जो प्रोफेशनल्स हैं लाइफ स्टाइल है, ज़्यादातर उसमें सिटिंग एक्सरसाइज है, कंप्यूटर पर टाइम बीतता है, उसके कारण बहुत सारी परेशानी होती है। पीएनबी में आप काम करते हैं, सिटिंग आपकी जॉब रहती है ज़्यादातर, जिस तरह से बताया गया है कुर्सी पे बैठे रहने का काम होता है आपका पूरा, एकदम हेक्टिक शेड्यूल भी रहता है, खुद को स्वस्थ रखने के लिए आप क्या कुछ करते हैं और जिस तरह से यहाँ पर यूथ आए हैं, स्कूल के जो बच्चे आए थे उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे खुद को हेल्दी रखने के लिए? थैंक यू। मैं तो खुद कॉलेज लाइफ में स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, लेकिन बैंक में आने के बाद और बैंक की व्यस्तताओं के बीच में हम कुछ समय कम निकाल पाते हैं, लेकिन फिर भी मैं रेगुलर तो नहीं हूँ पर इरेगुलर रूप से मैं व्यायाम करता हूँ, घर पे करता हूँ, कभी मौका मिलता है तो मैदान में भी करता हूँ। और ये जो आज फंक्शन किया पंजाब नेशनल बैंक ने एक विश्व योगा दिवस पर और पंजाब नेशनल बैंक का जो 125वां जो हमारा चल रहा है अभी साल चल रहा है, फाउंडेशन डे चल रहा है, उसके ऊपर बच्चों को या स्वस्थ देश को या नागरिकों को मैं ये कहूँगा कि आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपका तन स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा और आप अपने काम में जो भी कोई काम कर रहे हैं उसमें पूरा मन और पूरे तन्मयता के साथ काम करेंगे तो आपका योगदान अपने इंस्टीट्यूशन के लिए भी अच्छा रहेगा। तो मैं आपका इस आयोजन में जो आपका योगदान रहा उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू वेरी मच। तो ये था आज जिस तरह से देश भर में योग की धूमधाम मनाया जा रहा है धूमधाम से, ठीक उसी तरह से आज पंजाब नेशनल बैंक की ओर से भी इसका आयोजन किया गया और इनका साफ तौर पर कहना है कि खुद को स्वस्थ रखने के लिए योग है या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है वो आज की लाइफ में बेहद ज़रूरी हैं।
कैमरा पर्सन नरेश पारिक के साथ मनीष तादीज, न्यूज इंडिया चैनल, जयपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।